नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं आजादी के अमृत काल की, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच में 14 अगस्त यानी आज के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, देश भर में मनाया जा रहा है। और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर उस दौर में जब देश का विभाजन हुआ और जिसमें लाखों लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और उस वक्त जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे उसकी निंदा भी की गई। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूरी सरकार के साथ श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। वहां पर भी विभाजन की जो विभीषिका है उसका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो जख्म भर चुके थे, जिनको भरे हुए दशकों गुजर गए, अब उन्हें कुरेदने की या उन्हें उस पुरानी जो भयावह यादें थी उनको आज उनको याद करने की क्या जरूरत है। तो इसके तमाम जो सियासी दल हैं या विपक्ष के जो लोग हैं वो इसके अपने अपने तरीके से सियासी मायने निकाल रहे हैं और इसका एक विश्लेषण भी किया जा रहा है कि आखिर भरे हुए जख्मों को फिर से कुरेदने की क्या जरूरत है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से देश जब आजाद हुआ, हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में उन दर्द को, जो दर्द जिनको गुजरे हुए जमाना हो गया, उनको फिर से हरा करने की क्या जरूरत है। तो इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, साथ ही जयप्रकाश पांडे जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा राघवेंद्र जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे। इसके अलावा विजय उपाध्याय जी वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और कर्मवीर आजादी दलित चिंतक हैं, बसपा के समर्थक माने जाते हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। तो आज हम राकेश त्रिपाठी जी से ही हम शुरू करना चाहते थे लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अभी वो जुड़ नहीं पाए। तो जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश जी, देश आजाद हुआ, 77वां आजादी का समारोह हम लोग मना रहे हैं लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, तो उसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त यानी देश का जो बंटवारा उसको याद किया जा रहा है और तमाम ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने इस विभाजन के दौरान अपनों को खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वो दर्द आज भी महसूस किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, देखा देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के सीएम तक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसके सियासी मायने खोजने की जरूरत क्या है? सियासी मायने इसलिए मानस भाई खोजना है कि जहां तक एक राजनीतिक संगठन के रूप में भाजपा का तो आधुनिक नाम भारतीय जनता पार्टी बाद में आया, लेकिन जनसंघ हिंदू महासभा तो 1915 से ही थी। तो ये विभाजन की विभीषिका स्वाभाविक थी लेकिन इनको एहसास जो है अब हुआ है जब ये सत्ता में केंद्र में आसीन है, तो इसलिए ये है कि ये तो साफ साफ है कि इनको निश्चित रूप से राजनीतिक एंगल से ही ये जख्म भर, जो आप कह रहे हैं कि जख्म भर रहा था, तो जख्म भरा करने वाली ये पार्टी है। और जहां तक विभाजन विभीषिका का सवाल है, देखिए वो एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक सवाल है और उसको संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है। भारत में ही नहीं है, मतलब कहीं भी, जब हम चूंकि उपनिवेशवाद के दौर में थे तो विभाजन के लिए अंग्रेज शासक विश्व की राजनीति भी उत्तरदायी थी और कई बार तो कई देशों का विभाजन मतलब बलात् रूप से कर दिया गया। जर्मनी को तो चीर के वहां बर्लिन की दीवार भी बना दी गई। तो ये है कि लेकिन फिर भी वो उसे बाद में लोगों ने ढहाया और राम मनोहर लोहिया सहित तमाम बड़े चिंतक मानते थे कि भारत पाकिस्तान का एक महासंघ बनना चाहिए। तो अब ये अगर इसके सही कारण तलाशेंगे आप, विभाजन के जो गुनहगार हैं, इस पे कई पुस्तकें हैं उस दौर के, मतलब कलाम साहब से लेके लोहिया जी तक, थोड़ा बहुत तो दीनदयाल जी ने भी लिखा इस पे। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको इतना दिन बाद याद आया, क्योंकि वो एक तो ये बड़ा हास्यास्पद है। दूसरा ये है कि पहले होनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा था कि बर्लिन की दीवार अगर अंग्रेजों के सौजन्य से बन गई थी या कुछ विभाजनकारी ताकतों से, उसे गिराने का वक्त था। तो ये फिर से जाहिर बात है कि उस बर्लिन की दीवार को दीवारें चीन बनाना चाहते हैं। भारत में जो समाज है उसमें विभाजन से मन भरा नहीं इनको, मतलब चाहे हिंदू समाज में
उच्च जाति के हो, दलित भाई हो, या फिर कहिए कि जनजाति हो, या मणिपुर में भी देखिए तो ये भौगोलिक आधार पे भी कि प्लेन का है कि हिल्स का है कि प्लेट्यू का है। तो अब सवाल ये है कि इनको चूंकि जनता के कोई क्रिएटिव काम कर नहीं पाए 9 साल में, तो इतिहास के जख्म कुरेद करके और इतिहास गलत ढंग से पढ़ा के कुछ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वरना ये जिनकी मूर्तियां लगवाते हैं, चूंकि इनके पास मूर्ति लगवाने के लिए है कुछ नहीं। और बड़ा अच्छा ये है कि अगर ये शांत रहते तो ठीक है, भारतीय आजादी की लड़ाई में बड़ा इनका क्या लेना देना। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ये है कि इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहां मंत्री थे और क्या लेटर लिखे थे। तो स्वाभाविक है कि जो हमारी आजादी के नायक थे, मैं तो यही बलिया का रहने वाला हूं, बलिया में ही चीतू पांडे समानांतर सरकार स्थापित कर लिए थे, आजाद कर लिए थे। इनको घृणा इतनी है आजादी के नायकों से कि राकेश जी की स्मृति में याद दिला दें हम, और ये जरा पूछ भी लेंगे पार्टी कार्यालय से कि 9 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी जी, और योगी जी के दबाव से एक वो पॉलिटिकल डीलर लीडर इनके आजकल मंत्री भी बन गए हैं बलिया से, दयाशंकर जी, वीरेंद्र मस्त जी, कोई आदमी केवल माला चढ़ा दिया हो। बात करेंगे बड़ी राष्ट्रभक्ति की, कौन सी फेलोशिप उनके नाम पे है, कौन सा तोरण द्वार उनके नाम पे है, सिर्फ इसलिए कि 42 में माला पहनाएंगे तो लोग पूछेंगे आप कहां थे हुजूर, तो आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। केवल एक बलिया का मसला नहीं है, और ये ऐसे मसले बड़े संवेदनशील हैं, क्योंकि अगर देखा भी जाए विभीषिका दिवस पे कोई लड़ रहा था तो गांधीवादी लड़ रहे थे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब क्यों कहते थे माउंटबेटन भाई, नोआखली में दौड़ रहे थे वो, तो कब कौन आरएसएस का आदमी दौड़ रहा था, या कौन हिंदू महासभा का व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दौड़ रहा था, ये तो सांप्रदायिकता की आग ही लगा रहे थे ना। तो अब ये इनको लग रहा है कि इतिहास को विकृत करके दोहरा के फिर से, जो आप जैसा कह रहे थे कि थोड़ी बहुत जख्म भर रहा था, कम से कम जो भारत में अल्पसंख्यक जमाते हैं उनको भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि इनका इशारा उधर ही है। विभीषिका दिवस भारत में मनाने का क्या मतलब, अगर रियल में आप चाहते हैं कि मतलब विभीषिका क्या भाई, जिन्ना तो सांप्रदायिक आधार पर ही देश बांटे थे ना, किसी से छिपा थोड़ी है। तो जाहिर बात है जयप्रकाश जी आपके पास होंगे, राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी सीधा आरोप लगा रहे हैं जयप्रकाश जी कांग्रेस पार्टी की, अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए आप इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं, जो जख्म भर चुके हैं उनको कुरेदने की क्या जरूरत है, और जिसका जिक्र किया आपने चित्तू पांडे जी का, कोई माला बनाने तक नहीं जाता है उनको। मानस जी कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जिनको आंखें बंद करके झुठलाया नहीं जा सकता है, और किसी लेखक ने कहा है कि वो राष्ट्र मिट जाते हैं जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। जॉर्ज सांतना, नहीं नहीं मैं बता दे रहा हूँ, जॉर्ज सांतना का कमेंट है, जो अपना इतिहास याद नहीं रखता वो मिट जाता लेखक नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बीच में नहीं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं धैर्यपूर्वक आपको सुन रहा था, आप भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे। आपको ये याद है कि राष्ट्र मिट जाएंगे, इतिहास के साथ इसलिए छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इतिहास को याद रखना चाहिए, इतिहास सबक देता है, और इतिहास ये सबक देता है कि इस देश की आजादी जब 15 अगस्त 1947 को हमें मिली तो उसके पहले हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, 10 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ, लोगों को अपना घर बार छोड़ करके, अपनी संपदा को छोड़ करके इस पार से उस पार आना पड़ा। और ये फैसला क्यों हुआ, क्या देश की इस नई पीढ़ी को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और जब विभाजन के नए नित खतरे रोज सामने खड़े हो रहे हो, जब विभाजनकारी शक्तियों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसे तमाम सारे जो राजनीतिक विकल्प हैं जो विभाजनकारी शक्तियों को रोज प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, तो ऐसे में इस नई पीढ़ी को याद दिलाना आवश्यक है कि ये विभाजन की त्रासदी क्या थी, ये विभाजन की विभीषिका क्या थी, इसको स्मृति करना बहुत जरूरी है। और हम जब आजादी का जश्न मना रहे हो तो आजादी का जश्न मनाते समय इस विभाजन की विभीषिका में जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको श्रद्धांजलि देना भी ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। और इसी दायित्व के नाते आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में देश के जनमानस के साथ जुड़ करके 14 अगस्त की वो काली शाम को याद करने का काम कर रही है, जब देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में, हम जब इसको याद कर रहे हैं तो हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि कैसे 1905 में बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा और बंगाल का विभाजन आखिरकार रद्द करना पड़ा। लेकिन ये देश का विभाजन किसकी मर्जी से हुआ, किन कारणों से हुआ, किसने अनुमति दी थी इसकी,
क्या देश का जनमानस इस बात के लिए सहमत था या कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं ने सत्ता लोलुपता में इस देश का विभाजन स्वीकार कर लिया? क्या देश के लोगों को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए? देश के विभाजन की पृष्ठभूमि जितनी मुस्लिम लीग ने रखी है उतने ही दोषी इस देश के कम्युनिस्ट और कांग्रेसी है। और कांग्रेस के बड़े इतिहास के बारे में जयप्रकाश जी जोर शोर से बता रहे हैं कि कांग्रेस से ही इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए तो आप भगत सिंह के योगदान को भी नहीं मानते। आप तो वीर सावरकर के प्रति रोज अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। सच्चाई ये है कि ब्रिटिशर्स की कृपा पर जो लोग जेलों में रह करके भी सारी सुख सुविधाओं को भोगा करते थे वो लोग ये दावा करते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। और जो कोल्हू के बैल की तरह से तेल पेरने का काम कर रहे थे, जिनको 11 वर्ष तक कठोर सश्रम कारावास दिया गया, उन्हें कायर घोषित करने की चेष्टा आप करते हैं। देखिए, इतिहास आपके बदलने से बदलेगा नहीं। प्रयास बहुत किया कि इतिहास को विद्रूप किया जाए, इतिहास को कैसे कलंकित किया जाए, इतिहास को बिगाड़ने का प्रयास कम्युनिस्टों के द्वारा लगातार किया गया कांग्रेस के समर्थन से, इसलिए क्योंकि कांग्रेस की काली करतूतों को ये कम्युनिस्ट साथ मिलकर के छुपाना चाहते थे। लेकिन एक एक परत दर परत हम खोलेंगे और हम बिल्कुल याद करेंगे इतिहास के हर उस पन्ने को जिससे सबक मिलता है आने वाली पीढ़ी के लिए भी, कि आने वाली पीढ़ी फिर विभाजन का दंश न झेले। इस देश के लिए दूसरा विभाजन भी बांग्लादेश के रूप में, यह भी इंदिरा जी की सरकार के समय में ही हुआ है। आखिरकार माँ ढाकेश्वरी देवी का मंदिर क्यों हमसे दूर हो गया, ये ननकाना साहिब क्यों हमसे दूर हो गया? क्या ये सवाल नई पीढ़ी के लोगों को नहीं पूछने चाहिए कि परिस्थितियां क्या बनी? और आप दावा कर रहे हैं कि हम चिट्टू पांडे का सम्मान कर रहे हैं। ये महापुरुषों को अपना घोषित करने का प्रयास आपका हो सकता है। हम इस देश के हर महापुरुष को कांग्रेसी, सपाई, भाजपाई या बसपाई के रूप में नहीं देखते हैं। हम विचारधारा के आधार पर नहीं, इस देश समाज के लिए जिसने अपनी भूमिका का निर्माण किया है वो हम उसको पूरे एहतराम के साथ उसको सम्मान देते हैं। हम उसको महापुरुष मानते हैं। ये तेरा महापुरुष, ये मेरा महापुरुष, ये खेल बंद करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आपने नहीं दिया, क्योंकि आपके लिए सम्मान तो केवल गांधी नेहरू परिवार, जो आपका प्रथम परिवार है ना, उसके लिए आवश्यक था। जीवत जी किस तरह से भारत रत्न की बंदर बांट करने का काम किया, किस तरह से पद्म पुरस्कारों की बंदर बांट करने का काम किया, सम्मान आपने नहीं दिया। इसलिए आपका सच सामने आना जरूरी है। और इसीलिए घबराहट पे क्या विभाजन की विभीषिका नहीं थी? क्या आप उसको दरकिनार कर सकते हैं? क्या उस दर्द को आप अनछुआ कर सकते हैं? और अभी भी जो सिंध प्रांत से पलायन करके भारत आए हैं, और विशेष करके उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए ना, अलग अलग आपको शहरों में कैसे सिंधी मोहल्ले बने हुए दिखाई पड़ेंगे। जाकर के पीड़ा कुरेद कर देखिए कि उनके बाबा के साथ, उनके दादा के साथ, नाना के साथ किस प्रकार की त्रासदी हुई है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ है। और आप कहते हैं कि इन अत्याचारों को भुला दिया जाए। देखिए, भुलाया तो जयप्रकाश जी न 44 के दंगों में, जो भुला दिया जाए भाई, ना भुलाया तो जाएगा, आपकी तारीफ याद करनी चाहिए। 84 जाएगा, हम 84 भी नहीं भूलेंगे। 84 में कैसे नरसंहार किया है, 47 14 अगस्त है राकेश त्रिपाठी जी, तुष्टीकरण तो आप करते रहे ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आपने कहा ना, इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, यही मजहबी तुष्टीकरण था ना। इसीलिए इस मजहबी तुष्टीकरण से इस देश को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम विभाजन की विभीषिका को याद करें, जो मृत है उनके प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का काम करें और संकल्प लें कि इस देश की अखंडता पर, इस देश की एकता पर किसी प्रकार का कोई प्रहार न करने पाए, किसी प्रकार की मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति को हम इस देश में न पनपने दें। इसके लिए हमको संकल्प लेने का दिन है और ये दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके, ये मेरी और तुम्हारी राजनीति नहीं है, ये देश का मसला है। सब लोग एक साथ मिलकर के आना चाहिए। राकेश जी, सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए। आप भी याद करेंगे विभाजन की विभीषिका को, आप याद करते हैं? मनोज यादव जी, जी बिल्कुल। मुझे राकेश त्रिपाठी जी की बात सुन के बड़ा अल्पज्ञानी जैसा महसूस हुआ कि बोलने वाला वक्ता अल्पज्ञानी है। ये देश लगभग अंग्रेजों से 200 साल तक गुलाम रहा, और जिस 10 लाख लोगों की बात राकेश त्रिपाठी ने कही वो बड़ा छोटा नंबर है। 200 साल लगभग इस देश का 25 से 30 करोड़ आबादी
इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित की गई जिसका कोई जवाब नहीं। उसके अगर अध्याय पलटे जाएंगे, उसके इतिहास को अगर हम खंगालेंगे तो ये पाएंगे मानस जी की इस देश पे 200 साल तक अत्याचार हुआ और कुछ वर्ग के लोग, कुछ जाति के लोग अंग्रेजों की नौकरी कर करके 200 साल तक अपनी कई पीढ़ियों को कलेक्टर से लेके और तमाम सारे पदों पे बैठाल के आनंद का पर्याय भोग रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन, जब उस आजादी से की बेड़ियां तोड़ने का समय आया, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, तो उसी विचारधारा का जो 1925 में संगठित हुई थी आरएसएस के नाम पे, उसने भारत छोड़ो आंदोलन को विरोध किया उसका कि नहीं माइलैंड, आप 200 साल से हम आपके साथ रह रहे हैं, आप छोड़ के मत जाओ ना, हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको हम यहीं रखेंगे। कैसी मानसिकता के लोग हैं। 30 करोड़ 36 करोड़ आबादी के बारे में क्या हुआ इस बारे में चर्चा नहीं करना है। और उस आजादी के नायक महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को इन्हीं की विचारधारा के लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया, उसकी भी विश्व का दिवस कब मनाओगे राकेश पांडे? आरएसएस के लोगों, बीजेपी के लोगों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कब मनाएंगे उसकी भी विश्व का? कब कोई दिन निर्धारित करोगे कि सिर्फ और सिर्फ इस देश को नफरत करके बांटने की बात करते हो? मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, अगर मेरे पास पावर होती तो ये जो कुछ लोग हैं ना इस देश में, इनको बांट के एक कोने में जरूर मैं कर देता और इनके अब सारे मंदिर वहीं स्थापित कर देता और सब कुछ वहीं स्थापित कर देता और ये सुकून की जिंदगी अपना जीते। अरे 200 साल तक जिस देश पे कोड़े चले, जिस देश पे अंग्रेजों के जूतों की टापे चली, जिस देश पे घोड़ों की नाले चली जिनके सीने पे, तब आपकी, आपके पूर्वजों का क्यों नहीं सीना दहला? तब आपके पूर्वज क्यों नहीं लड़ने आए? तब क्यों मंगल पांडे का साथ, तब क्यों झांसी की रानी का साथ नहीं दिया? ये भी बात तो आपको बतानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण लगता है मानस जी, मुझे लगता है इस देश को एक ऐसी विचारधारा जब तक पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं कर देगी और नसों में वही नहीं भर देगी कट्टरता, जिस कट्टरता का विरोध कर रहे हैं ये लोग, वही कट्टरता नसों में भर के इस देश को बर्बाद कर देंगे। ठीक वैसे जैसे जर्मनी को बर्बाद किया गया और इसके बाद जर्मनी के लोगों ने अफसोस मनाया कि हमने किस आदमी की विचारधारा को एडॉप्ट करके अपने आप को बर्बाद किया इतने सालों तक। ठीक वैसी ही विचारधारा इस देश में आ गई। मुझे तो पहले बताया गया था कि विषय कुछ दूसरा है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं, इनके पास न कोई काम, न कोई नाम, न कोई धाम। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के मंदिर की बात कर रहे हैं, मोदी जी और आजाद भारत के बाद, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो करेक्ट कर देना, इस डिबेट में बैठे हर बुद्धिमान से मैं कहूंगा, आजाद भारत के बाद जितने भी प्रधानमंत्रियों ने शपथ ली, ना तो किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में पैर रखा, ना किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। इकलौते इस विचारधारा के दो प्रधानमंत्री हुए जो ढोल नगाड़ा लेके पाकिस्तान गया एक, और दूसरा वाला बिना बताए देश को पाकिस्तान गया। इतनी मोहब्बत है अगर आपको बंटवारे से, आप इतनी तकलीफ है तो एक कर लो ना देश को, कौन मना कर रहा है? आप तो पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसको तो कूटनीति का हिस्सा माना गया इस लिहाज से कि अगर प्रधानमंत्री ने पहली बार पहल की और ये किसी पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री को बुलाया तो पूरी दुनिया में संदेश गया ना कि भारत तो शांति का पक्षधर है, भारत तो उनसे दोस्ती करना चाहता है, आतंकवाद तो उधर से भेजा जा रहा है। तो एक तरीके से ये तो उसको तो एक कूटनीति का हिस्सा माना गया पूरे। अरे आपके सवाल ने आज की विभिषिका पे पानी डाल दिया, आपके सवाल ने ही तो डाल दिया। अगर आपकी कूटनीति शांति का पैगाम है, आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, एक महासंघ के रूप में काम करना चाहते हैं, एशिया में एक बड़ी शक्ति के साथ काम करना चाहते हैं, तो इस शब्द का तो आज के इस प्रोग्राम का बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है। आपके सवाल ने ही पुष्टि कर दी उसकी, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं। फिर भी रुक जाइए मानस जी, रुक जाइए, मुझे ये बताइए, मैं इस पैनल से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्या देश के और प्रधानमंत्रियों के पास दिमाग नहीं था? क्या देश के और प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों नहीं की? वो तो सब सेक्युलरिज्म वाले लोग थे, उनको क्यों पाकिस्तान से प्रेम नहीं था?
इन्हीं दो प्रधानमंत्रियों को क्यों पाकिस्तान से प्रेम था? क्योंकि इनकी राजनीति और इनके चूल्हे, राजनीतिक चूल्हे की जो आग है वो पाकिस्तान से जलती है। बड़े सांठगांठ है दोनों के, आपको बताऊंगा किसी दूसरी डिबेट में, आज वो शब्द नहीं कहने का, एक एक कड़ी में जोड़ूंगा कि आप देखिएगा क्या क्या इनके और पाकिस्तान के बीच में कितनी घनिष्ठता है। ये कौन सा इशारा भारत में बैठ के कर दे तो हिजबुल मुजाहिदीन के बम यहां गिर जाएंगे, जब चाहेंगे तब गिरवा देंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूं, उसके भी तथ्य रखूंगा अगली डिबेट में जब कभी इस मुद्दे पर चर्चा करिएगा। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी, आपने सभी पक्षों को सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुना, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हंस रहे उनको भी सुना, जयप्रकाश जी को भी सुना। अगर इसको हम सियासी इसके मायने अगर ढूंढे या इसका सियासी नफा नुकसान देखें या इसको सियासी रणनीति के तौर पर अगर इसका आकलन किया जाए तो क्या विश्लेषण होता है आपका? विजय जी आप म्यूट पे प्लीज, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए। हाँ मानस जी, मैं इतनी गंभीर डिबेट सुन के अपने को बहुत अल्पज्ञानी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि जयप्रकाश पांडे जी ने बहुत अच्छी रोशनी डाली थी। दरअसल देखिए, चार मुख्य पार्टियां थी आजादी के आंदोलन के समय में, एक कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी जी। ये मुख्य पार्टियां थी, इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी पार्टियां थी और बहुत से संगठन थे। और जो सारा जद्दोजहद है उसको दो हिस्से में देखिए, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद। ब्रिटेन बहुत कमजोर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान और जर्मनी ने ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया। लंदन में लोग 6 महीने मेट्रो के टनल में रहने के लिए मजबूर हुए, 6 महीने से ज्यादा वक्त तक। पांडे जी को पता होगा जितनी बर्बादी ब्रिटेन को आई और जितनी बड़ी तादाद में उसमें भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में काम कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसका बहुत बड़ा कर्जा 47 के बाद ब्रिटेन के ऊपर था। अब विभाजन क्यों हुआ, तो विभाजन के बारे में सबको पता है कि जिन्ना विभाजन के जिम्मेदार हैं। अंग्रेजों को एक ऐसा एक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, माउंटबेटन के लॉर्ड माउंटबेटन जिन्हें कहा जाता है, उनके एडीसी थे, हमीरपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, नरेंद्र सिंह सरीला, उनकी किताब है आजादी की असली कहानी। और उस किताब में न कांग्रेस का नेताओं के हवाले का जिक्र है, पत्रों का जिक्र है, ना अखबारों का, भारतीय अखबारों का जिक्र है। उन्होंने शुद्ध रूप से जो इंडिया हाउस था लंदन का, जो खतों किताबत जिससे होती थी यहाँ के वायसराय और यहाँ सेना प्रमुख जो था वो जो खतों किताबत करता था, जो यहाँ के मुखिया थे खुफिया विंग के, उनकी जो खतों किताबत होती थी, वो सारे दस्तावेज वहां रखे थे। और ब्रिटेन और यूएसए के बीच में जो खतों किताबत हुई भारत को लेकर, सिर्फ उन्हीं दोनों दस्तावेज पे उन्होंने पूरी किताब लिखी है। और उस किताब में उन्होंने साफ लिखा है कि भारत के विभाजन की तैयारी ब्रिटेन ने की थी। एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को आने के पहले कह दिया था कि थोड़ा हिस्सा भारत का बचा के रखना, और उन्होंने बचाया। उनका फोकस ये था कि चूंकि नेहरू जी के बहुत अच्छे संबंध थे उस समय के रूस और चीन के साथ भी, बहुत अच्छे माओ त्से-तुंग से बहुत अच्छे संबंध थे, और वो लेनिन से मिलने भी जाते थे। पांडे जी लेनिन थे या स्टालिन थे? हाँ, तो उनसे मिलने जाते थे और काफी अच्छे संबंध थे। तो और यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस की एक्टिविटी थी, मैं वो सारी बातें उसी किताब के हवाले से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी कोई ब्रिटिश कैंप के नहीं थे, यानी यूरोपियन कैंप के नहीं थे, वो भी जर्मनी से उन्होंने मदद ली थी और जापान की मदद ली थी, और भारत के एक बड़े हिस्से को उन्होंने आजाद भी करा लिया था। और उनका इम्पैक्ट भारतीय सेना पे इतना गहरा था कि चाहे नौसेना विद्रोह या भारतीय सेना का 1857 जैसा विद्रोह की स्थिति यहाँ थी। और चूंकि ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो वो बोझ नहीं उठा सकता था, तो उसने आजादी दे दी और एक डोमिनियन स्टेट भारत फ्रीडम इंडिया फ्रीडम एक्ट पास किया अपने पार्लियामेंट में, और उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया। हम कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई जीती, लेकिन असल में अगर हम लड़ाई जीते होते तो हमारी कौमी यकजहती और बहुलवादी संस्कृति के तहत यहाँ हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में नहीं तो हजारों की संख्या में अंग्रेजों को भी रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए थे वो। उनको भगाने का कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आया, उनको भी यही रहना चाहिए था अगर हम जीते होते। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर था, वो छोड़े आज उन्होंने आपको हवाले किया और अपना चले गए सब, एक 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 बच्चा भी यहां से चला गया, कोई यहां रुका नहीं, शायद एक आध दो कहीं रुके थे। अब
इस विभाजन विभीषिका के जिक्र की जरूरत क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें ऐतिहासिक सच्चाई है, हम डिबेट बहुत कर सकते हैं, और जिन्होंने लोहिया को पढ़ा होगा विभाजन पे, जो उनकी किताब है, पांडे जी ने बहुत गहराई से उसको पढ़ी होगी, और एक किताब है डॉक्टर अंबेडकर की, पाकिस्तान आर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये दो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए ताकि पता लगे कि वास्तविकता क्या है। 762 साल यहाँ पे मोहम्मद गौरी गजनी के आक्रमण से लेकर, बल्कि गौरी के आक्रमण से अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तक 762 साल यहाँ पे हुकूमत की दूसरे लोगों ने, और उन्होंने अपनी उस किताब में अंबेडकर ने लिखा है कि किस तरीके से, अभी मनोज जी कह रहे थे कि एक खास वर्ग को बड़ा वो किया गया, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने जो जिक्र किया है अपनी किताब में डॉक्टर अंबेडकर ने, उन्होंने लिखा है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण उनके निशाने पे होते थे, उनके मुंह में मैला डाला जाता था। अलग अलग किताबों के रेफरेंस उन्होंने दिए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं लिखे, उन्होंने भी रेफरेंस दिए हैं और उन लोगों के दिए हैं जो उस समय के लेखक थे, और किस तरीके से सिर मुंडाए हुए चोटी रखे वाले लोगों को काट दिया जाता था, वो सारा हवाला उन्होंने उस किताब में दिया। मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, लंबी हो जाएगी बात। और अंबेडकर ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है कि जो जिद थी, जब कम्युनल अवार्ड आ गया और जो मुसलमानों के लिए उनके चुनाव क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए, इसके बावजूद आखिर क्यों वो अलग चाहते थे? तो अलग जहां उनकी, अच्छा, और अलग किए कहां, जहां उनका बहुमत था, तो एक 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 भय का वातावरण तो जरूर होता है कि भाई अगर किसी दूसरे रिलीजन का कोई बहुमत हो जाएगा तो आपको बाहर कर देंगे। आज आप जहां बहुसंख्यक हैं, कल अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो ये शायद एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है। दूसरे मैसेज ये देने की कोशिश होगी कि ये जो धार्मिक एकता की बात, हम तो रटते रहे सद्भाव सद्भाव सद्भाव, लेकिन सद्भाव डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त 1946 को हुआ, चाहे नोआखाली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर हो, जहां जहां डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या था? उस समय के जो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्यों ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई। इसके बावजूद भारत एक उदार देश है, जो नहीं गए उनको शामिल किए हुए है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, न सरकारी योजनाओं में, न नागरिकता में, किसी भी तरीके। लेकिन जो पाकिस्तान बना, बनते ही उसने अपने को इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया, और वहां पे एक अलग तरीके की सारे से, अब लोग कहेंगे कि भाई वो पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना, 1947 के पहले हमारा लेना देना था ना, वो तो हमारा पार्ट था। तो जब हम बात करेंगे तो हमको उसकी बात करनी ही पड़ेगी। तो जो चीजें हुई उसका एक रिएक्शन भी है कि अगर हमारा ही हिस्सा अलग हुआ और इतना ज्यादा विषाक्त माहौल उन्होंने बना लिया, तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा था, और उस वो दिखाई दे रहा था आजादी के बाद के वर्षों में, बहुत दिन तक ये सब दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत बदल गई। आज हम बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, हमारी देश में प्रगति हो रही है, ठीक है, अपोजिशन अपनी बात कहेगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते मेरा ऐसा मानना है कि आर्थिक विकास की जो गति है, जो हमारे बजट का आकार है, और जिस तरह की जितनी बड़ी आबादी है और जितनी तेजी से काम करने की जरूरत है, वो कोशिश आज हो रही है। इसलिए जो हमारी आजादी का 77वां दिन कल है, उसके पहले अगर विभीषिका दिवस मना के हम अपने उन 1.5 करोड़ लोगों के खानाबदोश होने, और करीब 10 से कुछ तो 30 लाख तक आंकड़ा बताते हैं कि मारे गए, लेकिन ये तो तय है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जितने लोग मरे थे उससे बहुत ज्यादा लोग इस बंटवारे में मरे थे, और इसकी इसके दोषी कौन है उसको लेके बहुत से विवाद हो सकते हैं, लेकिन तमाम सवालों के जवाब वो नरेंद्र सिंह सरीला ने अपनी किताब में देने की कोशिश की, चूंकि वो ADC थे और राजदूत रहे अमेरिका में और ब्रिटेन में, उन्होंने तमाम फैक्चुअल डॉक्यूमेंट उसमें उन्होंने उनका रेफरेंस दिया हुआ है, वो एक रेफरेंस वाली अच्छी किताब है, उसमें कोई अनुमान की बात नहीं है। ना ये बता रहे थे गांधी ने पटेल जी को क्या लिखा, पटेल जी ने, हाँ एक और अगर आपको देखना है कि क्या माहौल था, करण सिंह जिंदा है, जिंदा इतिहास मौजूद है, करण सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको पढ़ लीजिए, उस दौर में क्या चीजें थी और क्या करना था, क्या किसने नहीं किया, करण सिंह ने स्वयं लिखा है, और वो उस पार्टी में है जिस पार्टी के नेताओं को जोड़ा जाता, हालांकि गांधी जी तो दूसरी बात चाहते थे, लेकिन जो कर्ण सिंह की आत्मकथा है उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्रीनगर में रुके थे महात्मा गांधी, वहां से फिर वो पाकिस्तान के हिस्से में गए, फिर वहां लोगों ने कहा कि हमें भारत जाना, ये उनका ना ना ना, तो
तुम लोग तो यही रुको, करण सिंह ने लिखा है यही रुको और कुछ नहीं होगा। बाद में वहां लोग मारे गए, उनके साथ महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, किसी तरीके से वो लोग बच खुच के 4-6 की संख्या में आ पाए। और जो लोहिया जी की किताब है वो निश्चित तौर पे इस डिबेट में एक रेफरेंस के तौर पे यूज करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ पांडे जी जब अपनी बात रखेंगे तो लोहिया जी के उन कारणों जिसमें लोहिया जी ने लिखा था कि लेडी माउंटबेटन से नेहरू अपना काम कराते थे और लॉर्ड माउंटबेटन को अपना कोई काम कराना होता था तो लेडी माउंटबेटन के माध्यम से कराते थे। तो वो बातें भी देखिए, इतिहास को आप एकदम से झुठला नहीं सकते हैं, और अगर नई पीढ़ी को पता नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर संकट में होंगी। चलिए, बहुत सही जानकारी और बहुत रोचक जानकारी दी विजय उपाध्याय जी ने। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ करमवीर आजाद जी भी मौजूद हैं। करमवीर आजाद जी, अगर कोई दंश अगर देश ने झेला है और अगर आज उसको याद किया जा रहा है तो क्या जरूरी है कि हर मामले में सियासत ही की जाए? पूरा देश एकजुट होकर के एक संदेश की जो दे सकता है कि हाँ, हमें वो दंश आज भी याद है और हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस बंटवारे के दौरान अपनी जान गंवाई। म्यूट पे करमवीर जी, आप अपना म्यूट करिए पहले। जी मानस भाई, यहाँ पे प्रचंड विद्वान बैठे हुए हैं और इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, क्योंकि हमें सीखने को भी मिला बहुत सारी चीजें। हम कभी कभी डिबेट में बैठते हैं और हम अपना पक्ष रखते हैं तो सीखते हैं, और हमारे मनोज भाई ने और पांडे जी ने और फिर उपाध्याय जी ने जो है अभी जो बताया और त्रिपाठी जी ने भी अपना जिक्र किया। लेकिन एक चीज मैं मानस भाई आपको कहता हूँ, चूंकि मैं बहुजन चिंतक के रूप में यहाँ बैठा हूँ, आप देखिए वोट सार्थक मतलब ऐसा है ना, कोई भी चीज अगर आपको कोई बात बतानी है और ये जख्म कुरेदने का कारण केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मोटो है, लोगों को झकझोर देना, लोगों को याद दिलाना, उनके सेंटिमेंट से खेलना, खेल करके मतलब इनकी नीति और नियत जो दोनों है, दोनों ही अस्पष्ट नहीं है। केवल केवल ये क्या चाहते हैं, ये केवल इतना चाहते हैं कि किस तरीके से हम वोट करें, और ये केवल पोलराइजेशन की जो पॉलिसी है इनकी कि किस तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम करके ये करें। और मैं आपको बता दूं कि इनके पार्टी में जो है जितने मुस्लिम लीडर हैं, जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, इनके यहाँ दो अर्थी बयान होता है अक्सर। आप देखेंगे उसका कोई भी बयान अगर मुस्लिम के खिलाफ देना होगा तो एक पक्ष मुस्लिम के खिलाफ बयान देगा, दूसरा पक्ष आकर के उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो इनका तो ये नीत है कि चोर से कह दो चोरी करो और शाह से कह दो जागते रहो। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 1925 में जब हेडगेवार और गोलवंकर साहब ने संकल्प लिया था, तो मैं बार बार इस डिबेट में कई बार कहा हूं कि इनकी परिकल्पना मानववादी नहीं, इनकी परिकल्पना केवल मानव से मानव में विभेद पैदा करके कैसे उसमें जो है एक दूसरे में खाई पैदा करके किस तरीके से हम लोगों का वोट, लोगों का बहुमत कैसे इकट्ठा करें, केवल इनका उद्देश्य मात्र मात्र ये है। इनके अंदर मानववादी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, इनको केवल एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से इनको बस जनता के बहुमत को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद, चाहे उसमें घपला करना पड़े उसमें भी ये माहिर है। तो महारथी तो ये है ही है, लेकिन नेक नियत के महारथी नहीं है ये महारथी केवल केवल इस तरीके से है कि कैसे लोगों के भावनाओं के साथ खेल करके, उनके जख्मों को कुरेद करके, उनको जगा करके कैसे अपने पक्ष में वोट बटोरा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का मेरा अपना जो एनालिसिस है, जो मैं अपना विवेचना जो करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है एज ए बहुजन चिंतक। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। राघवेंद्र जी, आपने सभी पैनलिस्ट को बारी बारी से सुना, लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि पूरा विपक्ष आज के आयोजन के खिलाफ नजर आ रहा है, जो आज
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पूरे देश भर में जो आयोजन किया, आपको भी लगता है कि कुछ सियासत से प्रेरित है ये आज का इवेंट? मानस जी, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, 77 साल में चंद घंटे बाकी है। और अगर पुरानी बातों को याद करें, मौजूदा सरकार, देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार के कार्यों की अवहेलना करना, उपेक्षा करना, उनमें कमियां निकालना। अगर हम पुरानी बातों को याद करते हैं कि आजादी हमको कैसे मिली, आजादी के दौरान जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, अगर उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं किन्हीं माध्यम से, और देश का बंटवारा कैसे हुआ ये हम जनता को बताते हैं अपने किसी कार्यक्रम से, जो आज का जो विभिषिका दिवस है उसके माध्यम से बताते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से राजनीतिक है। ये अलग बात है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ये लग रहा है कि भाजपा इसको ऐन मौके पर ले आके और कुरेदेगी और इसको एक समीकरण के तौर पर ले आएगी, लेकिन ये होना चाहिए। देखिए जब जगह तभी से सवेरा, ये पूर्व की सरकारों में भी होना चाहिए कि आजादी के एक दिन पूर्व जो हमारे देश के लोग, जो हमारे देश में जो भी थे, जो आजादी के लिए अपने प्राण को न्योछावर किए, उनको याद किया जाए। और जो जो बंटवारा हुआ, आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसलिए हम युवाओं को बताना पड़ेगा कि पूर्व में क्या हुआ, कैसी सरकारें थी, किस तरह हमको अंग्रेजों से आजादी मिली। ये सही बात है, उपाध्याय जी कह रहे थे कि अंग्रेज चले गए तो कोई भी अंग्रेज नहीं बचा, ये सही बात है कि अंग्रेज ने अपना पूरा यहाँ सेटिंग वेटिंग करके फिर वहां से चले गए। तो अगर मोदी सरकार या कोई भी सरकार इस तरह का काम करती है युवाओं को जागृत करने का, तो इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी मानस जी। जी राकेश जी, आपने भी अपने तमाम जो आपके सहयोगी जो है आपके विपक्ष के लोग, उनको आपने सुना। देखिए सीधा आरोप सबका एक सुर में, सब लोग सीधे तौर पर आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए आपने इस तरीके का आयोजन किया। क्या जरूरी था कि पुराने जख्मों को कुरेदा जाए? क्या जरूरी है कि वो जख्म जो भर चुके उनको फिर से हरा किया जाए? इस आयोजन के जरिए आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? सब तो आरोप लगा रहे हैं कि आप अपने सियासी फायदों के लिए, मतों के ध्रुवीकरण के लिए आप इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं। देखिए मानस जी, जिनको आरोप लगाना है, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन देश की जनता इस बात को महसूस करे कि ये आजादी हमें जो मिली है इसके पीछे हमने क्या कीमत चुकाई है। 10 लाख से ज्यादा लोग, जितना आंकड़ा भी विजय जी ने भी कहा कि आंकड़ा इससे बड़ा भी संभवतः हो सकता है, लेकिन चूंकि उस समय कोई इसके आंकड़े को स्पेसिफिक तरीके से नापा नहीं जा सकता था, लेकिन हम एक मोटा मोटी मानते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें आहुति हुई, 10-10 लाख ज्यादा लोगों की जाने गई। क्या हम उनको अपनी श्रद्धांजलि भी व्यक्त नहीं करेंगे? क्या हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं करेंगे? जिनको अपना घर बार छोड़ करके आना पड़ा और आकर के शरण शरणार्थी के रूप में अपना जीवन जीना पड़ा, क्या हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति संवेदनाएं व्यक्त नहीं करेंगे? ये उल्लास मनाने का 15 अगस्त का जो दिन है, उससे पहले 14 अगस्त तक की उनकी पीड़ा के साथ हम खड़े हैं, और आज भी उसकी विभीषिका को झेलने वालों के जख्म अब भी उनके दाग हैं, उनके निशान हैं, उनका दर्द अब भी है, और इसलिए हम उनके दर्द में उनके साथ खड़े हैं, हम यह एहसास दिला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें निकट भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए फिर कोई विभाजन का दंश ना झेलना पड़े, इसलिए पीछे झांक कर देखना आवश्यक है कि कब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये आगे ना होने पाए, अगर इसके लिए हमें पीछे झांक कर देखना आवश्यक है। और ये पीछे झांक कर देखने में अगर कुछ लोगों की भूमिकाएं उजागर होती है, तो निश्चित तौर पर उससे सचेत रहने के लिए सबको जागरूक करना, ये भी हमारा उत्तरदायित्व है। और इसी राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के नाते भारतीय जनता पार्टी इस बात को आज पूरे देश भर में जोर शोर के साथ मना रही है। और हम इस बात को फिर स्पष्ट कह रहे हैं, ये केवल भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, ये करमवीर आजाद जी को भी मनाना चाहिए, ये जयप्रकाश जी को भी मनाना चाहिए, ये मनोज यादव को भी मनाना चाहिए, विजय उपाध्याय जी को भी मनाना चाहिए। ये संपूर्ण देश की भावना है। जो दिवंगत हुए वो भाजपा के लोग नहीं थे, वो संघ के लोग नहीं थे, वो किसी विचारधारा के लोग नहीं थे। जिनकी जाने गई उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हम फिर कह रहे हैं कि मानव मात्र का नुकसान हुआ था, मानवता हारी थी, मानवता रोई थी, और इसलिए हमें याद रखना होगा कि देश में फिर किसी प्रकार का कोई विभाजन उत्पन्न न होने पाए। हमने देखा है कि अलग अलग प्रकार के विभाजन की बातें तरह तरह से उठती हैं, और जिस प्रकार से जातीय विभाजन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये जो नए नए खतरे हैं ना, इन खतरों से निपटने के लिए हमको इतिहास के आईने में उनको झांक कर देखने की आवश्यकता है। हम एक पवित्र उद्देश्य के साथ इस विभाजन की विभीषिका के दिवस को मना रहे हैं,
हम अपनी सहानुभूति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जवान जान गंवाई और आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं कि हमने अपने इतिहास से अगर सबक नहीं सीखा तो आने वाले समय में हमें फिर ऐसा दंश झेलना पड़ेगा, फिर मानवता हारेगी, फिर लोगों की जाने जाएंगी, फिर इस देश में विभाजन ना होने पाए। इस देश की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है कि हम इन पहलुओं को नजरअंदाज ना करें, हम इन पहलुओं को ध्यान रखें। जयप्रकाश जी, जो सवाल राकेश त्रिपाठी जी उठा रहे आप भी शायद इससे गुरेज नहीं करेंगे कि देश का जो इतिहास लिखा गया वो ज्यादातर वामपंथियों ने लिखा। आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जिनको सामने आना चाहिए था, वो नहीं आ पाई। अगर इतने वर्ष के बाद अगर देश की भावी पीढ़ी को ये बताया जा रहा है कि आजादी हमको किस कीमत पे मिली या क्या दंश झेला बंटवारे का इस देश ने, तो निश्चित तौर पर अगर आने वाली पीढ़ी नहीं जानेगी तो वो कभी भी उससे कुछ सीख नहीं पाएगी। तो उस पर सियासत खोजना या एतराज करना कितना वाजिब लगता है आपको जयप्रकाश जी? क्योंकि अगर तुलना की जाए दक्षिण पंथ से और वाम पंथ से, वो भी स्पेशली इतिहास लेखन के स्तर पे, तो ये निश्चित रूप से वामपंथ का इतिहास लेखन जो होता है वो रेशनल होता है, साइंटिफिक होता है तुलना में दक्षिण पंथ के कसीदा से। तो वो तो अलग विषय होगा, लेकिन ये है कि अगर जैसा मतलब विभीषिका दिवस पे आप कह रहे थे कि सबको मानना चाहिए, तो वो तो स्वाभाविक है कि हम सबके पुरखों ने अपने जाने अनजाने में मतलब रक्त बहा है या संपत्ति का हानि हुई है, और सबसे ज्यादा जो आंकड़ा मतलब मौजूद होता है अगर उसका सांप्रदायिक श्रेणीकरण भी कर लीजिए तो मुसलमानों की जान सबसे ज्यादा गई थी, महिलाओं की असमत लूटी गई थी, फिर संपत्ति गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मारे गए थे, और ये मैं प्रमाण भेज दूंगा। तो ये है कि अगर दूसरी बातें हैं कि केवल उत्सव मनाने की इवेंट और मैनेजमेंट में माहिर मोदी जी को चाहिए कि यूरोप की लोकतांत्रिक परंपरा से सीख ले, ऐसे दिवस पे अगर आयोजन कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी तय करें कि हमारे पुरखों ने हिंदू महासभा आरएसएस ने जो मतलब जाने अनजाने में कारनामा किया था जिसे भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनका भी योगदान है, उसके लिए माफी मांगे। और कैसे योगदान है मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब का जिक्र विजय उपाध्याय जी बड़े बढ़िया से किया है, तमाम लोगों का किया, लोहिया जी का किया, हर जगह ये लिखा गया है कि आरएसएस की भूमिका बड़ी नहीं थी, इनके पास जनाधार नहीं था हिंदू महासभा के, लेकिन इनका जो अखंड भारत होता था, जो इनका नारा होता था कि हिंदुस्तान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारत में रहना हिंदू बन के रहना है, तो ये सारी चीजें इनके व्हाट्सएप तब नहीं था, इनके सारे कमेंट मुस्लिम लीग के नेता दिखाते थे मुसलमानों को कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद तुम रियाया बन जाओगे, दूसरे श्रेणी के नागरिक रहोगे, हिंदुओं की हुकूमत आएगी, एक डेमोक्रेटिक या मतलब आधुनिक राष्ट्र का संकल्पना वो खारिज कर देते थे, चूंकि औचित्य ही देते थे। और ये हमेशा होता, एक सांप्रदायिक विचारधारा दूसरे सांप्रदायिकता को औचित्य देती है। मनोज भाई वही कहना चाह रहे थे कि वो चले गए पाकिस्तान, क्या होगा बम विस्फोट वो हमें नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा का जो अति सांप्रदायिक मतलब एंगल है वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को ही तो वो ताकत देगा, किसको देगा? क्या सेकुलर डेमोक्रेटिक साइंटिफिक अप्रोच की लीडरशिप को देगा? तो एक तो ये है, दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, विजय उपाध्याय जी ने कहा कि जो अंग्रेजों का रियल का प्लान था, रियल का प्लान भारत के एक टुकड़े का नहीं था और एक दिन में नहीं था। राकेश भाई से ही मैं शुरू कर देता हूं, 1905 का जिक्र इन्होंने किया ना, भारत अरे बांग्लादेश को टुकड़े कर दिए थे करजन ने, उसकी उस समय स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ, तिलक बाबू के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उस बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी की मांग होने लगी, स्वराज की। अब उस स्वराज नहीं दिया अंग्रेजों ने, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 3 साल में 1909 में उनका एक्ट आ गया सांप्रदायिक, जिसमें उनको सेपरेट मतलब पृथक निर्वाचन दे दिया गया। 1917 में उसका और एक्सटेंशन किया गया, जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में राजपूताना जहाज पे भारत के प्रतिनिधि बैठे थे, पढ़ लीजिएगा आप पागल हो जाएंगे, मालवी जी गंगा जल लेके बैठे थे और बाकी जितने लोग 17 लोग थे 17 अलग अलग खेमे में, एक अंग्रेज पत्रकार ने मजाक में लिखा, और वही हाल वहां भी हुआ। लंदन में गांधी जी अलग थलग थे, सब 17 टुकड़े की जो योजना बन चुकी थी। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पुरखों ने, क्योंकि बाबा साहब और पटेल जी की मूर्ति तो आप भी लगाते हैं ना, बाबा साहब पटेल जी के भी दस्तखत थे, पटेल साहब ने तो लिखा था कि पहले मैं पाकिस्तान विभाजन का विरोध करता था लेकिन नफरत का जहर इस कदर भर गया है जिन्ना के मतलब पार्टी की वजह से, कि अगर हम पाकिस्तान को विभाजित नहीं करेंगे हर फाइल के हर कोने में हर विभाग में पाकिस्तान होगा। जब आवाम में आप इतना मतलब कहिए कि नफरत भर डाले हैं तो आप जबरदस्ती नहीं रख सकते,
तो आप पहले नेहरू जी को कोस लीजिएगा पानी पी के, एक तो बुकलेट जारी कर लीजिएगा, वो हम कबूल कर लेंगे। लेकिन ये जो विभाजन जैसा संवेदनशील मुद्दा है उसमें गांधी जी भी थे, और गांधी जी तो कहते थे ना कि हमारी लाश पे पाकिस्तान बटेगा। और पटेल साहब थे, बाबा साहब थे, बाबा साहब ये मनोज जी कहना भूल गए, बाबा साहब क्यों डायरेक्ट एक्शन में समर्थन कर दिए जिन्ना का? भाई सीधी कार्रवाई का पढ़ लीजिए बाबा साहब का, वो भी इन्हीं आचरणों से त्रस्त थे। दलितों पे अत्याचार को खारिज नहीं किया जा सकता जो उच्च जातियों ने किया है। और भारत के अगर मैप गंधार से सिमट के आए हैं आप किसी माई का नाम ले रहे हैं, किसी देवता का नाम ले रहे हैं, अरे आपका भूगोल बहुत बड़ा था। आप अगर सिमटे हैं तो मुसलमानों के कारण, ईसाइयों के कारण, अपने अंतर मन को झांकिए। अगर अखिलेश यादव कुर्सी पे गंगा जल डालेंगे, सीधी में पिशाब करेंगे, तो ये सोच बदलिए, बराबरी का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण लाइए। हाँ, जिन्ना के बारे में बता दूं कि जिन्ना निश्चित रूप से भारत विभाजन के गुनाहगार है, लेकिन जब 1930 में पहली बार चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया तो उन्होंने कहा एक छात्र की सनक है। इकबाल साहब का भी विरोध किया 1917 में, सरोजनी नायडू ने, कारण नहीं था, उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। जिन्ना को औचित्य इन्हीं लोगों ने दिया। बंगाल और पंजाब में कौन चला रहा था बंटवारा, मतलब भारत को बांटो, सबसे पहले आंदोलन किसने चलाया? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अकेले आप उत्तरदायी हैं, अकेले हम भी उत्तरदायी। प्रकाश जी तो दोषी सब हैं, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक किसी पार्टिकुलर नेता को अगर आप कसीदा पढ़ रहे हैं, हाँ एक अंतिम चीज मैं बता दूं, जो ये कह रहे थे विजय उपाध्याय जी कि प्रतिक्रिया, आप सोचिए कि आज इतिहास पढ़ के आप इतनी नफरत फैला ले रहे हैं, 1947 में भारत का विभाजन हो चुका था, नेहरू पटेल बाबा साहब अगर दूरदर्शिता से काम नहीं लेते तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में भारत में पाकिस्तान तो बन ही जाता। लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं, व्यक्त की आजादी, वैज्ञानिक संस्थानों को बड़े धैर्य से अपमान बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान का, भारत का ट्रैक बदला, तो उनको आपको बधाई देनी चाहिए। जो आप कर रहे हैं सरकार, ये तो कभी भी कर सकता है कोई कि इतिहास पूरे दीजिए एक सांप्रदायिक व्यक्ति के बरक्स हम भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी पहले अल्लाह अकबर करके गोली मारते थे, अब रेलवे में जो इंस्पेक्टर सिपाही ने गोली मारी, सिरफिरा तो अमेरिका में भी कोई गोली मार लेता, उसकी दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा गोलीबारी अमेरिका में होती। लेकिन गोली मारने के बाद मोदी योगी का नाम ले ले तो आप सोच लीजिए कि आप नर्सरी कहाँ कर रहे हैं। आप मतलब अल्लाह अकबर के नाम पे गर्दन काटने वाले, या तालिबान इस सोच की नर्सरी कर रहे हैं, या एक समरस समाज, वैज्ञानिक अप्रोच, रेशनल मतलब समाज की नींव रख रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज यादव जी, कुछ कहना चाहे उसके बाद राकेश त्रिपाठी जी, विजय जी के पास भी जाना। मनोज जी कंप्लीट देखिए, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, इतिहास की बात की गई और इस पूरी परिचर्चा में 1300 के बाद का ही इतिहास का जिक्र किया गया, चाहे विजय जी ने किया, चाहे जयप्रकाश जी ने किया, थोड़ा सा छूने का प्रयास किया जयप्रकाश जी ने, अखंड भारत की बात की, और चाहे राकेश पांडे जी तो बिल्कुल लेटेस्ट 1947 के बाद जाना ही नहीं चाहते, पहले 1947 और 2023। हाँ सॉरी सॉरी माफ करिएगा, हाँ अरे त्रिपाठी पांडे, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात करें तो 5000 से ज्यादा पुराना है भारत का इतिहास, और हर कालखंड की चर्चा होनी चाहिए, हर कालखंड के बारे में विभाजन पे चर्चा होनी चाहिए, हर कालखंड में अत्याचारों पे चर्चा होनी चाहिए। वो कौन करेगा? उसके लिए हम किसके पास जाएं? इंग्लैंड वालों के पास जाएं, या मिस्र वालों के पास जाएं, या किसी और लोगों के पास जाएं? हम तो बात करेंगे ना, अफगानिस्तान भी पार्ट ऑफ इंडिया था, बर्मा भी पार्ट ऑफ इंडिया था, श्रीलंका भी पार्ट ऑफ इंडिया था, नेपाल भी पार्ट ऑफ इंडिया था, ये सब क्यों बट गए भाई? मुसलमान तो नहीं थे तब, क्यों बटे? चलो जब बट गए तो बट गए होंगे, हो सकता है राजा साहब को ना अच्छा लगा हो इसीलिए बांट दिया होगा। आपको पता है इस कालखंड में जब मुसलमान इस देश में नहीं आया था तो इस देश में अत्याचार किस पे? अभी किसी ने कहा कि विजय जी ने कहा कि ब्राह्मणों के मुख में मैला डाल दिया जाता था, आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल सहमत हूं, मुसलमानों के मुंह में डाल दिया जाता होगा मैला भाई, लेकिन उससे पहले किसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था? उससे पहले किनको दवाई देने का अधिकार नहीं था? उससे पहले इस देश में किनको शिक्षा का अधिकार नहीं था? उससे पहले एकलव्य कब पैदा हुआ था? एकलव्य के अंगूठा किसने कटवा दिया था? कितने बिंदुओं पे बात करोगे? एक विभिषका नहीं है इस देश में, हजारों अनगिनत विभिषकाएं हैं। अगर मनाने पर उतर आएंगे मानस जी ना, तो लोग सांस नहीं ले पाएंगे,
लोग अपने घर की छतों को रात को देख के सो नहीं पाएंगे, उनके अत्याचार उनकी छतों के पंखे के उस दीवार में दिखेंगे। एक नहीं है। भाजपा क्या करना चाह रही है? आप यही तो बताना चाह रहे हो ना। मैं नहीं जो कह रहा हूं मैं नहीं कहना चाहता, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उस किताब को नहीं खोलना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर आधुनिक भारत और आज की मानचित्र पे जो भारत का नक्शा बनाना चाहते हो, वो देश में कहीं भी, पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं टिक पाएगा, कहीं भी नहीं टिक पाएगा। चाहे विजय जी जो इतिहास की किताबें बता लें, चाहे जयप्रकाश जी बता लें, चाहे राकेश पांडे जी बता लें, आज अगर दुनिया में चमकना है ना, तो निश्चय ही आपको सबके साथ समानता की बात करनी पड़ेगी, और खासकर उस कम्युनिटी के साथ जो आपके देश में है, जो रह रहे लोग हैं, जिनको, जिनसे आप नफरत करते हो, जिनके अधिकार आप छीन रहे हो। बिना उनके देश विकासशील छोड़ो, विश्वगुरु छोड़ो, आप भारत नहीं रह पाओगे, आप भारत भी नहीं रह पाओगे। और एक बड़ी बात कहता हूं, क्यों पीछे चले गए? मैंने तो किताब में इतिहास की तमाम बातों का जिक्र किया जा सकता है जो मैंने स्टडी किया। एक ही बात का जिक्र करता हूं, आजादी के पहले जब इस देश में लोग चुनाव लड़ने जाते थे, युद्ध, आपको पता है अगर कोई एक सीमा नांग ली जाती थी, सीमा, अगर आप अफगानिस्तान में की तरफ युद्ध लड़ने चले गए या दूसरे बॉर्डर की तरफ लड़ने चले गए, पता है उस व्यक्ति को अपवित्र समझा जाता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताबें कह रही है, 1924 का ये हवाला है, बहुत पीछे मत जाइए। उसको अपवित्र समझा जाता था, उसको दूसरी बटालियन के साथ रहने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसी देश में था, किस किस की विशेषता मनाओगे भाई? आधुनिक भारत बनाना है तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे दिए हैं, निश्चय ही ये बात जयप्रकाश जी ने भी एक्सेप्ट की, मैं भी कह रहा हूं, जिस कालखंड में जिसके साथ जितना अत्याचार हुआ है, जाहिर सी बात हमको उनको याद करना चाहिए, लेकिन उसे सीखना क्या चाहिए? आप यही तो देश है, बताए थे लाइट ऑफ एशिया था ये भारत, गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत और आदेश था, उसने लाइट ऑफ एशिया में अपना मैसेज दिया। कहां है गौतम बुद्ध जी? कहां है गौतम बुद्ध की लाइट ऑफ एशिया की कॉन्सेप्ट? कहां है? किन लोगों ने रौंदा था? उसका नाम तो राकेश त्रिपाठी को आता होगा, उसको पुष्प सिंह मित्र ही तो कहते हैं। कहां है? उसने कितनी बड़ी विविष्का की थी? आपने तमाम बातें कही, एक 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 बौद्ध को काट के किस तरह काट के गाड़ा गया, ये आपको नहीं पता? बौद्ध मठों को कैसे नष्ट किया गया, आपको नहीं पता क्या? किन किन बातों पे चर्चा करोगे राकेश त्रिपाठी? देश को बर्बाद कर दोगे आप और आपकी विचारधारा। नहीं बोलना चाहते इन सब विषयों पर, आधुनिकता की तरफ जाइए, साइंटिफिक तरीके पे जाइए। अगर इस पे नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे तो अमेरिका से एजुकेशन लेके हाई पैकेज पे चले जाएंगे, और जो दंगा करेंगे बजरंग दल से लेके और तमाम सारी पार्टियों के जो छोटे बच्चे, वो कभी जीवन में अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। चलिए, आपके तो नेताओं के बच्चे पढ़ाएंगे। मनोज जी, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं, आपने लीजिए लीजिए, खूब जवाब लीजिए। मैं तो वास्तविकता मैंने कही, गलत एक तथ्य कहा हो मानस जी तो FIR करा दो, मुझ पर जेल चला जाऊंगा हंसते हुए। राकेश जी, कौन कौन सी विविष्का मनाएंगे आप, कौन कौन से स्मृति को याद करेंगे, बताइए। मनोज जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए मानस जी, अगर डिबेट के लिए अगर FIR दर्ज कराने लगते हैं तो मनोज यादव जी को अब तक 100 वर्ष के कारागार की सजा हो चुकी होती। इसलिए मैं बहुत लाइट नोट पे इस बात को कह रहा हूँ कि मनोज यादव जी की बात का मैं वैसे भी बुरा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने निवेदन करके कहा था कि जो कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो पढ़ नहीं पा रहे, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए। और इसका असर समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ता है कि जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता, इसीलिए आकर के हिजबुल मुजाहिदीन का हमला भाजपा करा सकती है, भारत करा सकता है। अरे विभिष्का पे चर्चा करो, अखिलेश यादव पे चर्चा नहीं हो रही है। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? मैं तो नहीं आया नरेंद्र मोदी पे, मैं नरेंद्र मोदी पे नहीं आया, मैंने तो इतिहास के पन्नों को पलटा है। इतिहास के पन्नों पे चलिए। अरे सुनो राकेश त्रिपाठी जी, बदतमीजी ने हकीकत है क्या? अखिलेश यादव जी पे आ गए, चलो का क्यों कटा? सवाल ये है, ठीक चर्चा हो रही थी ना, चर्चा हो रही थी, भागने लगे, खुश हो गए, खुश हो गया, खुश हो गया, अब नहीं किया जाएगा, अब विश्वास नहीं मनाओगे, अब पुष्प सिंह मित्र की विश्वास नहीं मनाओगे, पुष्प सिंह मित्र और बद्धों के अत्याचार में विश्वास नहीं मनाओगे।
मैं इतिहास के पन्ने पे डिबेट करने के लिए बैठा हूँ मानस जी, आज अखिलेश यादव जी पे डिबेट नहीं है। अरे बुद्धिहीन विवेकहीन आरएसएस विचारधारा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना मनोज यादव, कम से कम थोड़ा सा ये कान जो है ना इसका भी उपयोग किया करे। ये केवल मुंह का उपयोग नहीं किया था, कान का उपयोग किया करे, सुना करे कभी कभी। भगवान ने सभी कान ने सुना तब मुंह ने जवाब दिया है। आप अखिलेश यादव पे उतर आए, नहीं मानस तो नहीं है, मैं जानता हूँ मानस जी डिबेट पे है, मानस आपके पास नहीं है, होता तो शायद उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए सैकड़ों साल तक अशिक्षा से दूर, शिक्षा से दूर रखा। अरे हाँ, मानस के ही कारण नहीं रखा शिक्षा से दूर। अगर हाँ तभी तो कहा कि त्रिपाठी जी का ही बेटा पड़ेगा। जवाब नहीं देते बंदा है, जवाब नहीं देते बंदा है। ना 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 जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। सुनो ना, अभी बोल तो रहे थे, मैं सुन रहा था ना चुपचाप, क्यों मतलब भी करने लगे तो, अभी चुपचाप अभी मौके मौके की बात तो करिए, विषयांतर मत होइएगा, विषयांतर मत होना, विषयांतर मत होना, विषयों मत। क्यों नहीं तुम्हारी अज्ञानता सुनने के लिए नहीं बैठे हैं हम, तुम्हारी अज्ञानता नहीं सुनेंगे, ज्ञान की बात करो। कंप्लीट हो जाए, अगर कहीं कुछ आपत्ति होगी तो बताइएगा, दोबारा सवाल ले लेंगे। राकेश जी कंप्लीट करिए अपनी बात। आप नहीं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ, मनोज यादव ने तमाम आपत्तिजनक बातें कही, मैं धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मुस्कुरा करके इनके तमाम मूर्खतापूर्ण बातों को सुन रहा था ना, तो सुने ना धैर्य पूर्वक चुपचाप। ये धैर्य पूर्वक सुन नहीं सकते हैं, और सुन नहीं सकते हैं तो बोलने का अधिकार नहीं है, जो सुन नहीं सकता हो उसे बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये सुनना नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि मुजफ्फरनगर दंगा कराने वाले लोग, जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा उत्तर प्रदेश में कराया, आगे आगे आगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे मुजफ्फरनगर में। अरे मैं तो खुशबू सिंह मंत्र पे चला गया था तुमसे भाई भी आगे कोई और आंसर हो गए, उत्तर विहीन मनोज यादव ने उत्तर विहीन कर दिया राकेश त्रिपाठी को। जाओ डपली बजाओ, काम खत्म तुम्हारा कर दिया मैंने, डपली बजाओ जाके, ऐसे 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 डपली बजाओ, और तुम्हारे पास उत्तर नहीं है मेरे सवालों का। अरे वो घुंगरू बांध तुम ही नाचोगे, नाचोगे अच्छे से। कराया जाता है हमारे पास संविधान की ताकत है, अगर ताकत पहचान लिए तो घुंगरू भी बनवा देंगे तुम्हारे पैर में, घुंगरू भी बनेगा तुम्हारे पैर में, परेशान मत हो। अगर इतना ही शौक है घुंगरू बांध देगा तो तुम्हारे बन बन जाएंगे घुंगरू। हाँ अच्छा, सफाई तक आए और कहाँ हो गए, मुजफ्फरनगर आ गए। तो सवाल पूछा गया मनोज जी की तरफ से कि किस किस विभीषिका को आप याद करेंगे, बस उसी का ही जवाब चाहिए था। मैंने इसीलिए कहा ना कि किसी की विभीषिका आपको याद करना हो, किसी ने रोका नहीं है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी इस प्रकार के विमर्श के कार्यक्रम होने चाहिए, करें ना समाजवादी पार्टी। किसने मना किया कि ये इतिहास के पन्नों पर चर्चा ना करें? अगर देश इतिहास के पन्नों पर चर्चा कर रहा है, अगर मनोज यादव और इनकी पार्टी को नहीं चर्चा करनी है तो अपने आप को अलग कर लें। वैसे भी जनता ने अलग थलग छोड़ ही दिया है ना, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष में है तो बैठ करके चर्चा करें, इतिहास पढ़े और इतिहास अपनी पार्टी का भी पढ़े। अगर पार्टी का भी इतिहास पढ़ते तो संस्कार रखते ऐसे जैसे चाचा के साथ किया वैसा करते नहीं, लेकिन हमें अपने पूर्वजों के बारे में याद करना जरूरी है। हम याद करेंगे, हमने जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं उनकी उनके बलिदान को याद करेंगे, और हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। हम इसलिए आजीवन की आज ये विभीषिका जो है इसको हम बिल्कुल याद करेंगे कि कैसे इस विभाजन की विभीषिका को त्रासदी को हमने झेला। लेकिन अगर आपकी पीड़ा है कि आप नेपाल को भी जाना चाहते हैं, आप श्रीलंका जाना चाहते हैं, तो करिए, खूब चर्चा करिए, और चर्चा करके हमें भी बुलाइएगा, हम भी आपके साथ चर्चा में आएंगे, हम भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सच ये है कि इस देश के सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम तुष्टिकरण ने किया है, और इसी तुष्टिकरण के कारण ही, यही तुष्टिकरण हुआ था तब देश का विभाजन हुआ है, और यही तुष्टिकरण अभी जयप्रकाश पांडे जी भी कर रहे थे, और यही तुष्टिकरण खैर समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का उसमें द्वंद्व चलता है कि कौन ज्यादा तुष्टिकरण कर सकता है, और दोनों इस बात में होड़ में रहते हैं कि कितना ज्यादा तुष्टिकरण। जयप्रकाश जी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें किनकी हुई थी, इसके आंकड़े इसके नंबर्स भी गिन करके जयप्रकाश जी ने रखे हैं कि कितने ज्यादा मुसलमान मरे थे,
ये तुष्टिकरण करना बंद करिए, इस तुष्टिकरण से ही इस देश का विभाजन हुआ। सबसे पहला कारण, बड़ा कारण तुष्टिकरण था। चलिए बस, मैं क्योंकि डिबेट का समय पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने निवेदन किया कि इसमें एक मिनट और जोड़ दिया जाए, क्योंकि विजय उपाध्याय जी के पास जाना बेहद जरूरी है। विजय जी, देखिए आप सभी को सुन चुके हैं, आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि आखिर क्या वास्तव में तुष्टिकरण हो रहा है? देखिए मानसी, भारत में जितने भी समाज हैं, जितनी भी जातियां हैं, ब्राह्मणों में अगर कहेंगे कि सबसे श्रेष्ठ जाति है, ऐसा क्लेम ब्राह्मण करते हैं, तो ब्राह्मणों में भी छोटा ब्राह्मण बड़ा ब्राह्मण है। यादव समाज में जाएंगे तो वहां भी छोटा यादव बड़ा यादव है। दलित में जाएंगे वहां छोटा दलित बड़ा दलित है। रोटी रोटी के संबंध तो होते हैं, बेटी के संबंध नहीं होते हैं। ये सब लंबी परंपराएं हैं। जो श्रेष्ठता का सिद्धांत लेकर दूसरे पे कीचड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, दरअसल उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये हर जगह पाया जाता है, किसी एक वर्ग में नहीं है। अगर आप किसी एक वर्ग के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। अभी राम भद्राचार्य, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, उन्होंने बताया कौन कौन से नीच ब्राह्मण होते हैं। तो बहरहाल, लेकिन जो आजादी की विभीषिका की बात है, देखिए पाकिस्तान बनने के बाद पहला जो लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो था कबायली अटैक। उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया, पहला युद्ध। हम आजाद हुए थे, ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे, लेकिन वो युद्ध हो गया। उसके बाद से लगातार 65 का युद्ध हुआ, फिर 71 का युद्ध हुआ, फिर ऑपरेशन टोपाक चलाया इन्होंने, फिर पंजाब की इंसर्जेंसी ले आए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लाए, ये लगातार एक सतत चल रहा है। तो जो गंगो जमन तहजीब की बात करते करते भारत पाकिस्तान बट गया था, वो उसमें उससे एक भय पैदा होता है हिंदुस्तान के लोगों को, एक बात ये। दूसरी बात, जो लोग पूर्व भारत से यहां आए इस हिस्से में, इंडिया दैट इज भारत वाले हिस्से में, इनकी कॉलोनियां कैसे बसाई गई? रिफ्यूजी कॉलोनी नाम दिया गया। आज भी आपको देश के तमाम महानगरों में रिफ्यूजी कॉलोनी, यानी हमारे अपने नागरिक जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आके बसे या बसाए गए, उनको आप रिफ्यूजी कह रहे हैं। आज तक उनकी कॉलोनी का नाम रिफ्यूजी कॉलोनी है। इसके अलावा कौन सी कॉलोनी रखा? अरे ये पंजाबी कॉलोनी है, सिंधी कॉलोनी है। इतनी इस तरह की जो मूर्खताएं की गई, मैं कहूंगा राकेश त्रिपाठी जी से और मनोज पांडे जी से, पक्ष विपक्ष मिलके इसको खत्म करें, और इस तरह के जो 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 अभी तक पहचान बनी हुई है रिफ्यूजी कॉलोनी की, इसको खत्म होना चाहिए, और यही सही तरीके से आजादी की विभीषिका दिवस मनाने का एक पर्याय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी आपका, मनोज यादव जी आपका, जयप्रकाश पांडे जी आपका भी, और कर्मवीर आजाद जी आप भी चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश में विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, और तमाम सियासत करने वाले लोग एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो पैनल में लोग मौजूद थे उन्होंने इतिहास के बारे में बहुत तथ्यपरक और बहुत रोचक जानकारियां दी। निश्चित तौर पर हमको इसे सीखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।